हेलो बंधुगण, तो मैं रेडी हो गई थी टाउन जाने के लिए, पर अभी देखना पड़ेगा कि मेरी मम्मी रेडी है मुझे टाउन जाने देने के लिए। फिर मम्मी ने बोला ठीक है चली जाओ, लेकिन एक घंटे पे घर आ जाना। और इस धूप पे ना आधा घंटा हो गया मुझे टुकटुक ही नहीं मिला, लेकिन मम्मी ने बोला है कि एक घंटे पे घर आ जाना है। दुकान में आई थी सबसे पहले टेम्पर ग्लास लगाने के लिए, पर ये भैया तो नजर नहीं आ रहे। तेरे भैया जल्दी आ जाओ, एक घंटे पे घर जाना था। और जिंदगी में तो पहले से इतना अंधेरा था ना, तो अपने लिए एक चश्मा ले लिया। और इतने दिनों से भिखारी की तरह पैसा बचाया ना, तो आज ये रिंगलेट तो मेरा हाथ आ गया भाई। और इतना सारा सामान तो लेके जा रही थी, मम्मी ना मुझे घर से निकाले। अरे घर पे जाने के बाद देखा जाएगा, अब तो दोस्त से मिलने जा रही थी। इसको देखो भाई, मैं तो इससे मिलने आई थी, लेकिन ये मुझे देखे इतना शर्मा रही थी। पर इसके कारण देखो मुझे मॉल से कितना कुछ खरीदना पड़ा। इसको छोड़ो, मैंने तो मम्मी के लिए एक अच्छा सा सैंडल खरीद लिया, क्योंकि मम्मी लोग ना अपने लिए कुछ खरीदते भी नहीं है ना। पर इस सैंडल से मुझे ही मार खाना पड़ेगा। मैं तो जिंदगी में कभी ना घर से नहीं निकलूंगी यार, कॉल के बाद कॉल, फोन के बाद फोन। ये मम्मी ने ना मुझे शांति से कुछ करने नहीं देंगे यार, जल्दी से बुला के घर पे लेके आगे।